विडा ने लास्ट मंथ की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई थी और अप्रैल में 950 की सेल्स से मई में डायरेक्ट 2450 की सेल्स पे आ गए थे, पर फिर भी ये iQube से बहुत ज्यादा पीछे हैं जिन्होंने लगभग 11,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करे थे। लेकिन क्या सच में iQube विडा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है? तो चलिए आज कंपेयर करते हैं विडा V1 प्लस को iQube 3.4 क्लास से। तो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा पाएगा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर हम प्राइस की बात करें तो विडा V1 प्लस का जो प्राइस है वो लगभग 1,20,000 के आसपास है, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे डिस्काउंट के बाद ये गाड़ी आपको लगभग 95,000 रुपए के आसपास मिल जाती है। वहीं अगर हम iQube 3.4 क्लास की बात करें तो इस गाड़ी का जो एक्सशोरूम प्राइस है वो लगभग 1,36,700 रुपए है। यहाँ पे आपको 6,700 रुपए का कैशबैक मिलता है। इस गाड़ी का जो नेट इफेक्टिव प्राइस बन जाता है वो 1,30,000 रुपए हो जाता है। भाई प्राइस के मामले में तो विडा V1 प्लस एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि विडा V1 प्लस का बिना डिस्काउंट का प्राइस भी iQube के कैशबैक के बाद के प्राइस से कम है, और इसके ऊपर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और Flipkart के ऊपर तो ये आपको डिस्काउंट के बाद 95,000 रुपए से कम में भी इजीली मिल जाता है। तो नो डाउट प्राइस के मामले में तो विडा V1 प्लस एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अगर हम बैटरी की बात करें तो iQube 12 के अंदर आपको 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। जो क्लेम्ड रेंज है वो 100 किलोमीटर की है और एक्चुअल में भी आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 4.5 घंटे का समय लगता है। अगर हम विडा की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.44 किलोवाट की बैटरी पैक मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर दो रिमूवल बैटरी लगती है जिसकी सिंगल जो कैपेसिटी होती है वो 1.72 किलोवाट की होती है। इस गाड़ी की जो IDC रेंज है वो 143 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 100 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी, और इस गाड़ी को फुल चार्ज करने में आपको लगभग 6 घंटे का समय लगता है। भाई बैटरी कैपेसिटी तो सेम ही है, और इसी वजह से जो एक्चुअल रेंज है वो भी सेम ही आ रही है, पर जो एक्चुअल में डिफरेंस है वो है बैटरी के टाइप में। विडा V1 प्लस के अंदर आपको रिमूवल बैटरी देखने को मिलती है, जबकि iQube के अंदर आपको फिक्स बैटरी मिलती है। और iQube के अंदर एडवांटेज ये है कि उसका चार्जिंग टाइम जो कि विडा V1 प्लस के मुकाबले थोड़ा कम है, पर विडा के अंदर आपको चार्जिंग में एक एडवांटेज मिलता है कि आप इस गाड़ी को एथर और विडा के फास्ट चार्जर से चार्ज कर सकते हो, जबकि iQube के अंदर फास्ट चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ओवरऑल बैटरी और फास्ट चार्जिंग के मामले में विडा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। अगर हम मोटर की बात करें तो iQube के अंदर आपको 4.4 किलोवाट की हब मोटर मिल जाती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 78 किलोमीटर पर आवर की है। 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है, और इस गाड़ी की जो ग्रिडेबिलिटी है वो 10 डिग्रीज की है। अगर हम विडा V1 प्लस की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 6 किलोवाट की PMSM साइड माउंटेड मोटर मिल जाती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। 0 से 40 जाने में से 3.4 सेकंड का टाइम लगता है, और उस गाड़ी की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 20 डिग्रीज की है। भाई विडा यहाँ पर भी एक ज्यादा अच्छा मोटर सेटअप दे रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो PMSM मोटर एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है हब मोटर के मुकाबले, और क्योंकि विडा के अंदर आपको ज्यादा पावरफुल मोटर दी गई है इसी वजह से विडा की टॉप स्पीड, ग्रेडेबिलिटी और एक्सेलरेशन iQube से ज्यादा है। तो अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से देखोगे तो हीरो विडा V1 प्लस एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर हम कर्व वेट की बात करें तो TVS का जो कर्व वेट है वो 118.6 kg है, और विडा का जो कर्व वेट है वो 124 kg है। TVS iQube एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। इस गाड़ी के अंदर इतने फाइबर बॉडी पार्ट्स नहीं है जितने की विडा V1 प्लस के अंदर है, और कमाल की बात यह है कि फिर भी iQube का वेट विडा के मुकाबले कम है। विडा का ज्यादा वेट इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको रिमूवल बैटरी का सेटअप दिया हुआ है, और इंडिविजुअली एक बैटरी का वेट ही लगभग 10 किलो के आसपास है। लेकिन चलाने के मामले में विडा आपको एक ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फील होता है। तो अगर हम सिर्फ बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो iQube एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो विडा एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं ग्राउंड क्लीयरेंस की तरफ। TVS iQube के अंदर आपको 157 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है, विडा के अंदर आपको 155 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। भाई ग्राउंड क्लीयरेंस लगभग सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ दोनों ही ब्रांड्स आपको काफी कम ग्राउंड क्लीयरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये ब्रेकर्स पे आसानी से नीचे लग सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। iQube के अंदर आगे आपको फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में आपको 12 इंच का हब व्हील मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलते हैं और ट्विंग शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं। और विडा के अंदर आगे आपको 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर के अंदर आपको 12 इंच का अलॉय मिल जाता है, ड्रम ब्रेक मिलते हैं और सिंगल साइड माउंटेड सस्पेंशन मिलता है। भाई अगर फ्रंट से देखें तो दोनों ही स्कूटर के अंदर बिल्कुल सेम सेटअप आ रहा है टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन का, पर डिफरेंस तब आता है जब हम रियर व्हील देखते हैं। सबसे पहले तो iQube के अंदर रियर व्हील में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलता, क्योंकि पीछे इसमें हब मोटर दी है इसलिए पीछे इसमें आपको हब व्हील मिल रहा है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि विडा के अंदर आपको साइड माउंटेड सस्पेंशन मिल रहा है, जबकि iQube के अंदर आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिल रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली विडा चलाते हुए सिंगल सस्पेंशन होने की वजह से कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो यहां भी इन छोटी चीजों
चीजों की वजह से विडा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। टीवीएस आईक्यूब के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिल जाती है और बैटरी के ऊपर आप 5 साल और 70,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा देके। विडा के अंदर आपको बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है जबकि व्हीकल के ऊपर आपको 5 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है और यहाँ पर आप 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देके बैटरी के ऊपर 5 साल और 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो। भाई वारंटी के मामले में टीवीएस ने एक अच्छी चीज करी है कि जो वारंटी उन्होंने शुरू में दी हुई थी वही वारंटी को उन्होंने आज की लाइनअप में भी कंटिन्यू रखा है। दोनों ही ब्रांड्स के एक्सटेंडेड वारंटी के प्राइस में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है तो आप आईक्यूब को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि उसमें रनिंग के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा वारंटी मिल रही है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। टीवीएस के अंदर आपको 5 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ थ्रू ऐप, इनकमिंग कॉल अलर्ट, OTA अपडेट्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, पार्क असिस्ट, एंटी थेफ्ट अलर्ट, जियो फेंसिंग एंड क्रैश एंड फॉल अलर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। विडा के अंदर आपको 7 इंच का टच डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ब्लूटूथ, पार्क असिस्ट और क्रूज कंट्रोल मिलता है। देखो अगर आप एक टच डिस्प्ले वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो तो ये ऑप्शन आपको विडा देता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके टच डिस्प्ले में बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं। विडा के अंदर आपको अच्छा खासा स्विच का सेटअप मिलता है जिससे इसके ज्यादातर फीचर्स कंट्रोल होते हैं जैसे क्रूज कंट्रोल और पार्क असिस्ट। इसके अलावा इसका टच डिस्प्ले भी थोड़ा लैगी है। दूसरी तरफ आईक्यूब के अंदर आपको LCD डिस्प्ले मिल जाता है पर इसके अंदर आपको फीचर्स जो है वो ज्यादा मिलते हैं। टीवीएस ने ये अच्छी चीज करी है आईक्यूब के अंदर कि उन्होंने अपने व्हीकल्स में एडवांस फीचर को अच्छे लेवल पर अपग्रेड किया है। तो शायद ये बात सुनने में आपको अजीब लगे कि बिना टच डिस्प्ले होने के बावजूद भी यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में आईक्यूब एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो विडा आपको ज्यादातर पैरामीटर्स के अंदर ज्यादा अच्छी चीजें ऑफर कर रहा है। विडा की सेल्स अभी काफी ज्यादा कम है और इसके टीवीएस के मुकाबले टच पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपको विडा के ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आपके शहर में इसका शोरूम और सर्विस सेंटर है तो विडा लेना आपके लिए एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन साबित होगा। वहीं अगर आप एक हार्डकोर टीवीएस लवर हो जो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर देख रहा है और जो चाहता है कि उस ब्रांड का सर्विस नेटवर्क भी अच्छा खासा बड़ा हो तो आपके लिए टीवीएस आईक्यूब एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो था टीवीएस आईक्यूब वर्सेस विडा का कंपैरिजन। अगर आपको इन दोनों स्कूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टू द बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।